नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन एनएचएम संविदा, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला कलेक्टरेट कार्यालय में मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन। रायसेन के सांची मार्ग पर स्थित जिला कलेक्टरेट कार्यालय में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लामबंद होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाने की मांग की गई एवं अन्य मांगों को भी प्रमुखता के साथ उठाया गया। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूर्व में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल की गई थी, तीन प्रमुख मांगों को लेकर, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के आश्वासन पर हम लोगों ने एक माह हेतु हड़ताल स्थगित की थी, परंतु दो माह बीत जाने के पश्चात भी जो है अभी तक उन मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है शासन प्रशासन द्वारा। और इसके संबंध में हम लोग एक ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं विभागीय स्तर पे भी और माननीय मंत्री जी को भी, उसके पश्चात भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः ज्ञापन प्रेषित किया गया है आज, जिसमें प्रमुख तीन मांग, जिसमें निष्कासितों की वापसी और सब 2018 की संविदा नीति और CHO जो हमारे हैं उनको नियमित करने हेतु MLHP कैडर के अंतर्गत नियमित करने हेतु प्रशासन से जो है हमारे द्वारा निवेदन किया गया है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आज से जो है क्रमिक हड़ताल प्रदेश स्तरीय आह्वान पर सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में की जा रही है, जिसमें रायसेन जिला भी सम्मिलित है। क्या नाम लिखते हैं आप, पद क्या है? मेरा नाम है विकास करे, अकाउंटेंट ODO।